नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हमारी पहली खबर खोरीगांव से, प्रदर्शनकारियों पुलिस में झड़प, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। केंद्र सरकार के कोविड राहत बजट की विपक्षी दलों ने की आलोचना। कोविड-19, तमिलनाडु में 40,000 आदिवासी परिवार अब भी बिना राहत के। और आखिर में हम बात करेंगे कोरोना अपडेट की। देश में 24 घंटों में 45,951 नए मामले, 817 मरीजों की मौत। फरीदाबाद के खोरी गांव में समुचित पुनर्वास की मांग के साथ चल रहे प्रदर्शन के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हुई हिंसक झड़प में पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया। आज बुधवार यानी 30 जून को मजदूरों के पुनर्वास की मांग को लेकर फरीदाबाद के खोरी गांव के अंबेडकर पार्क में महापंचायत होनी थी, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चा के किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़नी के पहुंचने की उम्मीद थी। इसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में खोरी गांव के मजदूर परिवार पहुंचे और सभी ने हरियाणा सरकार से पुनर्वास की मांग दोहराई, लेकिन पुलिस ने लोगों को पंचायत स्थल पर जाने की अनुमति नहीं दी, जिसके बाद स्थानीय लोग और पुलिस आमने सामने हुए। फिर पुलिस द्वारा बर्बर लाठीचार्ज किया गया। इस महापंचायत में शामिल होने आए लोगों का नारा था कि पहले समुचित पुनर्वास करें, फिर विस्थापन की बात करें। आपको बता दें कि खोरी हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अरावली वन क्षेत्र का हिस्सा है, जहां कोरोना महामारी मानसून मौसम से तुरंत पहले और भीषण गर्मी के बीच कुछ सप्ताह पहले 10,000 परिवारों को नगर पालिका ने बेघर कर दिया, और ये सब उच्चतम न्यायालय के आदेश पर किया जा रहा है। ये सभी परिवार लगभग 25 से 30 वर्षों से फरीदाबाद के खोरी गांव इलाके के अरावली क्षेत्र में रह रहे हैं। खोरी गांव कई सदियों से असंगठित क्षेत्र के मजदूर परिवारों का गांव है। खोरी गांव में आज क्या हुआ, इस पर देखिए हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं फरीदाबाद के खोड़ी गांव में, अंबेडकर पार्क के पीछे देख सकते हैं, जहां यहां के लोकल बस्तियों की जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश के बाद तोड़फोड़ शुरू हुई है, उसको रोकने के लिए एक महापंचायत होनी थी, जिसमें किसान नेताओं के शामिल होने की बात कही जा रही थी। उस महापंचायत में शामिल होने के लिए पीछे देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहां रहने वाले जो मजदूर परिवार जो है वो अपने परिवारों के साथ मौजूद हुए हैं, और पुलिस लेकिन इनको पार्क के अंदर जाने नहीं दे रही, जिसके वजह से लोग इन्होंने बाहर ही अपना नारा लगाना शुरू कर दिया। और पीछे जिधर भी देख सकते हैं सिर्फ आपको लोग ही लोग दिखेंगे, और इस तरफ अंदर की तरफ जो अंबेडकर पार्क है जहां पंचायत होनी थी उसके अंदर देख सकते हैं वहां सिर्फ पुलिस फोर्स है। बाहर जहां सड़क है गली में वहां बाहर लोग पंचायत के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इनको अंदर जाने के लिए परमिशन नहीं दी है। बोला जा रहा है धारा 144 लगाई गई है। अब इधर अब चल कर कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने कोशिश करते हैं, उनकी मांग क्या है, क्योंकि ये आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और हरियाणा सरकार ने पुनर्वास के लिए इनकी कोई व्यवस्था नहीं की है, और इनसे मैंने कोई किस तरीके से पानी है कुछ नहीं है। आप अपना एक बार अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम शांति है। आप क्या मतलब अब जिस तरह तोड़ना जा रहा है उसके बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे आगे का जीवन और किस तरह की व्यवस्था चाहते हैं सरकार से? मैं ये भैया चाहते मैं नहीं बनवा पाऊंगी घर, अब जो ताकत आती हाथ पैर में वो जमीन खरीद ले घर बनवा लिया, अब वो ताकत मेरे हाथ में नहीं है ना, अब जो सरकार मेरे को यहाँ बदले कहीं और दे देगा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कोविड-19 की दूसरी लहर से प्रभावित अर्थव्यवस्था में स्वास्थ्य, एमएसएमई, पर्यटन, निर्यात क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्रों को सहारा देने के लिए कुल मिलाकर 6,28,993 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। संगठित क्षेत्र में नई भर्तियों के प्रोत्साहन के लिए पिछले साल अक्टूबर में शुरू की गई आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की समय सीमा को मार्च 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके तहत सरकार कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदान में मदद करती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1.1 लाख करोड़ रुपए की ऋण गारंटी योजना समेत कई कदमों की घोषणा किए जाने को एक और ढकोसला करार देते हुए मंगलवार को कहा कि इस आर्थिक पैकेज से कोई परिवार अपने रहने,
खाने, दवा और बच्चे की स्कूल की फीस का खर्च वहन नहीं कर सकता। माकपा ने सोमवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा महामारी प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए घोषित उपायों को व्यय में कोई वृद्धि नहीं होने के साथ पहले की गई घोषणाओं की रीपैकेजिंग करने की एक और कवायद करार दिया। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए लोगों के पास खर्च करने के लिए अधिक पैसा होना चाहिए, जिससे घरेलू मांग बढ़ेगी। महामारी के दरमियान तमिलनाडु में अनेक वनवासी आदिवासी कोविड 19 से भी कुछ बदतर हालातों से जूझना पड़ रहा है, जिनमें से एक बड़ा कारण है भूख। वनवासी समुदाय की आजीविका महामारी से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई तालाबंदी से बुरी तरह तबाह हो गई है। वे अपने गुजारे के लिए पहाड़ी शहरों के जंगल से खरीद कर लाए गए कुछ लघु वनोपजों के विक्रय पर निर्भर हैं, लेकिन उन्हें उनके अपने उत्पादन को ढोने के लिए परिवहन की कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान सरकारी बसें नहीं चल रही। हालांकि वनवासी आदिवासी ही अकेले समुदाय नहीं है जिनकी आजीविका लॉकडाउन से चौपट हो गई है, लेकिन उनके बारे में खास बात है कि सरकारी सहायता के इंतजामों तक उनके एक बहुत बड़े हिस्से की पहुंच ही नहीं है, क्योंकि उनके पास राशन कार्ड ही नहीं है। इन परिवारों को न तो 4000 रुपए की वित्तीय सहायता मिली है, न ही 13 किराना सामग्री वाली कोरोना रिलीफ किट ही मिली है, जिसे हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने वितरित कराया था। ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि इनके पास राशन कार्ड नहीं है। इसके अलावा नियमित रूप से रियायत दरों पर उपलब्ध कराए जाने वाले चावल, दालें, तेल इत्यादि भी उनकी पहुंच से दूर है। और आखिर में हम बात करेंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज बुधवार यानी 30 जून को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 45,951 नए मामले दर्ज किए गए। इसके अलावा कोरोना से एक दिन में 817 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश भर में कोरोना से पीड़ित 60,729 मरीजों को ठीक किया गया और एक्टिव मामलों में 15,595 मामले कम हुए हैं। देश में कोरोना के मामलों की संख्या बढ़कर 3,03,62,848 हो गई है, जिनमें से अब तक 3,98,454 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना से पीड़ित 96.91% यानी 2,94,27,330 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 1.76% यानी 5,37,064 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरोना वैक्सीन की 33,28,54,527 डोज दी जा चुकी है, जिनमें से 36,51,983 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। आज के डेली रॉडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया।